देवास जिले के नेमावर में 5 सदस्यों की जनहद हत्या की जांच को लेकर आदिवासी समन्वय मंच द्वारा कसराव तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में नेमावर में गरीब परिवार के 5 सदस्यों की जघन्य हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने के दोषियों को फांसी सजा दिलाने के संबंध में आदिवासी समन्वय मंच द्वारा राज्यपाल के नाम कसराव तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। कसराव से अखिल खान की रिपोर्ट। सर, आज जो ज्ञापन दिया है, किस बैनर तले दिया और क्या संबंध, किस संबंध में? आज हमने भारत समन्वय मंच के बैनर तले दिया, जिसमें देश के सभी सामाजिक संगठनों और जिनके कार्यकर्ताओं अध्यक्षों के द्वारा दिया गया। और ये हमने नेमावर में आदिवासी समाज के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या करके खेत में गाड़ दी गई, उनके संबंध में दिया। हम चाहते हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगाया जाए और जल्दी से जल्दी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए, इसलिए आज हमने यहाँ पर गया। दोषियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और कार्रवाई जारी है, आगे आप और क्या मंसर? गिरफ्तारी तो कर लिया गया, लेकिन हम उसको फांसी की सजा चाहते हैं, इनको तुरंत फांसी सजा हो ताकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले केस तो तुरंत फांसी मिलेगा, अन्यथा साधारण कोर्ट में चलने से लंबे समय तक मुलजिम को रखा जाएगा और धीरे धीरे केस समाप्त हो जाएगा और दोषियों जो पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा। क्या नाम आपका? गुलाब सिंह चौहान, आकाश जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।